जय हिंद प्रियवर साथियों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार आवेदन आप करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताने वाला हूँ मित्रों। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और आइए वीडियो का स्टार्ट करके हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं मित्रों। इसके लिए मित्रों आपको सबसे पहले ब्राउज़र में आना है और ब्राउज़र में सर्च करना है वीव्यू लिखकर के आप इंटर करेंगे। सबसे ऊपर आपको एक पॉपअप दिखाई देगा मित्रों, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वीव्यू का नया पोर्टल लॉन्च करके ये वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है मित्रों। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट लॉगिन का, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन न्यू अकाउंट पे करना है, क्योंकि आप फर्स्ट बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मित्रों, तो अपना क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आपका डिग्री का लेना है, यूजी या पीजी का लेना है, तो यूजी का हम इसका अप्लाई करें तो यूजी का हम ले लेंगे मित्रों। इसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो आपका पहले रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए साथियों, तो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद एक कैप्चा आपको सामने दिख रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पे एंट्री करेंगे, हम सेम कैप्चा को एंट्री कर लेते हैं मित्रों। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं मित्रों, यहाँ पे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। मोबाइल पे 4 डिजिट का यहाँ पे ओटीपी जाएगा, उस पर आप दर्ज करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे मित्रों। इसके बाद आपका एक मेन्यू कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, आरती सिंह, जिसे हम आरती का अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद कंप्लीट आपको इस प्रकार से आपको पॉपअप दिखाई देगा मित्रों। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको सेंड कर दिया गया है। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे साइनअप करेंगे मित्रों, तो जैसे कि हम अभी जस्ट ही साइनअप किए, तो यहाँ पे साइनअप करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करेंगे मित्रों। लॉगिन पे क्लिक करते हैं मित्रों, यहाँ पे आपको चेंज योर न्यू पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप पासवर्ड को न्यू एंट्री करेंगे मित्रों, जो आपका पासवर्ड SMS के ऊपर आया है मोबाइल नंबर पे, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे न्यू से फिर से एंट्री करके नया पासवर्ड आप बना लेंगे मित्रों। इसके बाद यहाँ पे रिसेट पे आप क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपका रिसेट होने के लिए फिर से आपका OTP वेरिफिकेशन दर्ज लेगा, तो OTP फिर से जाएगा मित्रों, OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपका पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का देख सकते हैं आप, OTP जनरेटेड सक्सेसफुली आपका ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे पासवर्ड आपका सक्सेसफुली जनरेटेड कंप्लीट हो गया मित्रों। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को लोड करना है मित्रों। यहाँ पे आप फोटो और सिग्नेचर पहले से यहाँ स्कैन कर लेंगे और उसे 20 से 50 KB के अंदर आप पहले से यहाँ स्कैन कर रिसाइज करके आप रख लेंगे मित्रों। यहाँ फोटो और सिग्नेचर हम लोड कर लेते हैं, आपके सामने देख पा रहे होंगे, फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे हम लोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके पे आपको क्लिक करना है मित्रों। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड खुल करके रेडी हो जाता है। यहाँ से आप सभी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल अप्लाई के लिए आप रेडी हो जाता है। आपका आईडी यहाँ से क्रिएट सक्सेसफुली हो जाता है मित्रों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट, इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए, डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं मित्रों। एक ही आप पोर्टल के माध्यम से इतना सारा डिग्री का आवेदन आप कर सकते हैं, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करके दिखाने वाले मित्रों। तो सेम आपका सभी सर्टिफिकेट का सेम प्रोसेस यही रहता है, तो आप सेम टर्म कंडीशन को फॉलो कर लेंगे और यहाँ सब सारा डेटा को एंट्री कर लेंगे, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट का पास क्या था, उसका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह वगैरह सभी कॉलम को आप फिल कर लेंगे मित्रों। यहाँ पर हम फिल कर लिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ से सिंपली थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, सारा डेटा को एंट्री करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डॉक्यूमेंट भी हम यहाँ पे लोड कर दिए, जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे OTC सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सब सारा चीज़ को हम लोग एंट्री कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सभी डेटा को आप बेसिक अपने तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन एक मित्रों, आप डिलीवरी मोड आपको दिखा हुआ है, तो बाय पोस्ट यहाँ पे आप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एड्रेस यहाँ फिलअप कर देंगे, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस होगा मित्रों। इसके बाद सभी चीज़ आप फिलअप करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पर आप क्लिक करते हैं मित्रों, आपका यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ये आगे बढ़ता है मित्रों। यहाँ पे आप करंट अध्ययन जो आप पास किए हैं जस्ट सेमेस्टर 6 को, उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा मित्रों। तो यहाँ पे सेमेस्टर आप 6 टाइप करेंगे,
इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर टाइप करना होगा जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मिला होगा, यो यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है मित्रों। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप में होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आप टाइप करेंगे। इसके बाद आप कब आप पास किए हैं, जैसे सेमेस्टर सिक्स में आप मार्कशीट में सारा डिटेल यहाँ देख लेंगे, जैसे कि पासिंग आपका मंथ, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपका सेमेस्टर सिक्स का मार्कशीट में आपको शो कर रहा होगा उसके अनुसार से यहाँ पे आप डेटा को एंट्री कर लेंगे मित्रों। सभी डेटा को एंट्री करने के बाद आपको एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा मित्रों, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका पेमेंट गेटवे के लिए आपका ये पेमेंट गेटवे पेज पे आपका ओपन हो जाता है, वहाँ पे सिंपली आपको पेमेंट कटवाना है। पेमेंट गेटवे का पेज आने के बाद मित्रों आपको यहाँ पे 400 रुपये का आप डेबिट करवाएंगे, पेमेंट गेटवे ऑनलाइन आपको पेमेंट मोड में आप कटवा लेंगे। इसके बाद कंप्लीट या सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके बाय पोस्ट आपके घर पर सारा सर्टिफिकेट पहुँचा दिया जाता है मित्रों, बाय पोस्ट आपको घर पर अवेलेबल मिल जाता है। इस तरह से आप आवेदन अपना कर सकते हैं खुद से मित्रों। कैसा रहा वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और किसी तरह का भी आप बाय डिफॉल्ट आपको प्रॉब्लम हो तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक हम दे रखे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मित्रों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।